गत मंगलवार को कांथी में अमित शाह की सभा से लौट रहे भाजपा समर्थकों पर हमले को लेकर भाजपा समर्थक उतर आए सड़क पर। बुधवार को भाजपा के वरिष्ठ नेता मुकुल रॉय के नेतृत्व में प्रदेश भाजपा कार्यालय से एक विशाल रैली निकाली गई। यह रैली जब सेंट्रल एवेन्यू से धर्मतला की ओर जा रही थी, उसी वक्त मेडिकल कॉलेज के निकट सड़क पर राज्य के मंत्री और तृणमूल के महासचिव पार्थ चटर्जी की गाड़ी खड़ी थी। ऐसे में भाजपा समर्थकों ने पार्थ की गाड़ी को घेर लिया। ट्रैफिक जाम के कारण पार्थ चटर्जी की गाड़ी अटक गई, जिसका फायदा उठाते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं ने मंत्री को काला झंडा दिखाया। सड़क पर तैनात विशाल पुलिस वाहिनी ने रैली में शामिल प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार भी किया। इस रैली में प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष लॉकेट चटर्जी के अलावा उत्तर कोलकाता जिला अध्यक्ष दिनेश पांडे, नवीन मिश्रा समेत अन्य भी मौजूद थे। बांग्ला कोनो गणतंत्र नहीं है, बंगाल में पुलिस राज चल रहा है। कल ये बंगाल में कल कांथी में एक जनसभा थे, उस जनसभा में अमित शाह जी आया है। उसके बाद सभा खत्म होने के बाद तृणमूल वर्कर लोग, भाजपा लोग जो आया है उसको गाड़ी भर दिया, उसको वो हमला किया है। 50 आदमी बोर्चर्स के कालो पताका देखा निर्देश दी মমতা ব্যানার্জী, যেখানে বুদ্ধ যাবেন সেখানে কালো পতাকা দেখানো হবে। মেদিনীপুরে বুদ্ধ বোর্চার্সকে কালো পতাকা দেখানো হয়েছিল। সুতরাং গণতন্ত্রে মন্ত্রীদের কালো পতাকা দেখানো এটা নতুন কোনো ঘটনা নয়।